एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में हमने बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है जिसमें हमने इस वैकेंसी से रिलेटेड अलग अलग टॉपिक्स पे बात किया है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ पैसे की, यानी कि इस जॉब में आपको सैलरी कितनी मिलेगी उसके बारे में। तो चलिए, वीडियो को सबसे पहले हम शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम विकास गुप्ता है, आप PNS एजुकेशन यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैलरी के बारे में, जो सुप्रीम कोर्ट जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की वैकेंसी। तो देखिए, सैलरी ही इस जॉब की सबसे मेन चीज टॉपिक है, जो कि बहुत सारे कैंडिडेट को इस जॉब की तरफ अट्रैक्ट कर रही है। क्योंकि यहाँ पर देखो, जो पे स्केल हमारा होने वाला है, 35,400 आपका बेसिक पे है, 4,200 ग्रेड पे पे जॉब है आपका। उसके बाद आपको जो भी गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं उनमें कुछ ट्रेवल अलाउंस मिलता है, कुछ डियरनेस अलाउंस मिलता है, कुछ हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, और भी बहुत टाइप के अलाउंसेस दी जाती है। तो इन सभी को मिलाकर जो 35,400 है, 4,200 ग्रेड पे है, उनमें आपको ट्रेवल अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस और अलाउंसेस मिलाकर टोटल जो आपकी सैलरी बनेगी यहाँ पर 63,068 रुपीज़ पर मंथ बनेगी। ठीक है, इसमें से जो है आपका लगभग लगभग NPS, यानी कि जो नेशनल पेंशन की सर्विस है, वहाँ आपका 10% कट जाएगा, यानी कि लगभग लगभग 6,000 रुपये आपके वहाँ पे कट जाएंगे। और कुछ और डिडक्शन होते हैं, जब वो मान लो 2,000 रुपये उधर डिडक्शन होंगे, तो कुल मिलाकर आपके 8 से 9 हज़ार रुपये डिडक्ट कर लिए जाएंगे। ठीक है, 63,000 आपकी टोटल इन हैंड सैलरी आएगी, जिसमें से आपके 9,000 अगर कटते भी हैं तो लगभग लगभग आपको 54,000 रुपीज तक इन हैंड आपको सैलरी मिलेगी इस जॉब में। ठीक है, तो सैलरी आपकी जो है काफी हैंडसम है। और चूंकि यहाँ पर इस जॉब में अगर ये सैलरी आपको पाना है, क्योंकि इसी सैलरी को देखकर बहुत सारे कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं। ठीक, और इस जॉब में आपको मैं बता दूं, कंपटीशन जो है वो भी बहुत हार्ड होने वाला है, क्योंकि केवल और केवल 210 ही पोस्ट है इस जॉब में। ठीक है, तो आप यहाँ से ये देख सकते हैं कि केवल 210 पोस्ट, केवल और केवल 210 पोस्ट ही आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो अगर आपको इस सैलरी पे जॉब करनी है, जो कि काफ़ी हैंडसम सैलरी है, तो आपको मेहनत भी इसी सैलरी के हिसाब से करनी पड़ेगी, वो भी बहुत सारी। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप इस सैलरी के स्ट्रक्चर के बारे में सारी चीज़ें समझ गए होंगे, आपका बेसिक पे ग्रेड पे कितना है, ठीक है, और आपको टोटल इन हैंड सैलरी कैसे मिलती है, क्या क्या अलाउंसेज मिलते हैं, ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और साथ में आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहाँ पर आपको सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जितने भी बुक्स हैं, जितने भी PDFs हैं, जितने भी करंट अफेयर्स हैं, सारी सब्जेक्ट की PDF वहाँ पर डाली गई है, तो जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।